पुराने टाइम से हमारी मम्मी एंड ऑल दे यूज टू डू दिस, तो मुझे एक आंटी ने बताया था. आफ्टर दैट आई नेवर ट्राइड इट सो डिलीजेंटली. इस बार मैंने किया है और मुझे लगता है कि आई एम रियल ऑलमोस्ट सक्सेसफुल. तो जब हमने स्टार्ट किया था, आपने देखा था कंसिस्टेंसी कैसी थी. लाइक रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं आप बता देती हूँ क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और हम देखते हैं कि ये कैसा आ रहा है, हाउ इज़ इट टर्निंग आउट. तो मैंने लिया था 4 टेबल स्पून शुगर और 2 टेबल स्पून कॉफ़ी एंड देन 2 to 3 स्पून ऑफ वाटर, जो कि स्टार्टिंग में मैंने विस्क करना स्टार्ट किया था इस विस्किंग मशीन से, जो कि रिजल्ट नहीं दे पाया. एंड देन आई स्टार्टेड विस्किंग द सेम मैनुअल वे एंड आई एम डूइंग सिंस देन. तो 25 मिनट्स में ये कंसिस्टेंसी आई है. डलगोना डलगोना कॉफी रियली नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम. आई हैव बीन विस्किंग इट सिंस लास्ट 1 or 2 minutes. सी द कंसिस्टेंसी, कीप विस्किंग इट फॉर अदर 4 to 5 minutes एंड लेट्स सी. लकीली आई एम नॉट विस्किंग इट यूजिंग स्पून और समथिंग. आई हैव दिस विस्क. इसको और कंसिस्टेंसी हो गई है और मुझे लगता है जब तक ये पूरी डिजॉल्व ना हो जाए शुगर. आप देख रहे हो ये ग्रैनुल दिख रहा है ना इसमें, तो ये ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, मतलब है कि इसकी शुगर पूरी डिजॉल्व हुई नहीं है अभी. आई थिंक दिख रहा होगा. फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स कलर हैज चेंज फाइनली फ्रॉम डार्क ब्राउन टू लाइट ब्राउन एंड माई डियर सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू विस्क इट. इट टेक्स द आउटकम 40 मिनट्स एफर्ट. कैन सी को ट्राई किया होगा. हैट्स ऑफ टू देम एक्चुअली. एंड मैं अभी भी विस्क कर रही हूँ. मैंने सारे पैतरे ट्राई कर लिए हैं इसको जल्दी फिनिश करने का, लेकिन ये नहीं हो रहा है. तो मैं ट्रस्ट में मुझे लगता है कि आपको आपकी कड़ी मेहनत ही रंग लाएगी. तो जितने तरीके से आपको विस्क करना, आप तो मैंने ऐसे भी कर लिया और इतनी थिक हो गई कि गिर नहीं रही है आराम से. तो यही टेक्निक है. इसको और थोड़े 10 मिनट वेट के फिर आती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा है. आई थिंक अनदर 10 मिनट्स आई कैन विस्क, नॉट मोर देन दैट. आई एम लूजिंग माई पेशेंस हियर. आई कम बैक. स्टार्टिंग स्टेज में देख के सोचते होंगे कब तक फिनिश होगा. तो मेहनत करते रहो, ट्राई करते रहो, बन जाएगा डेफिनेटली बनेगा. यू कैन डू इट. और एनी वेज लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो ये तो बेस्ट चीज़ है. मैं कहूँगी दिस इज़ दी बेस्ट थिंग यू कैन डू. यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट. 40 मिनट तो एफर्ट लग गए इसको सिर्फ विस्क करने में. एंड देन इसको अब फर्दर अब हम मिलाएंगे लाइट स्वीट एंड मिल्क में और देखेंगे कि कैसा आउटपुट है इसका और कैसा टेस्ट है. तो 1 आवर एफर्ट है यार, और पीते रहो फिर आराम से. अनदर 20 मिनट्स धीरे धीरे, तो 1.5 घंटे तो निकल ही जाएंगे इस लॉकडाउन में. कोयल बोल गई हमारी बाहर में. तो मेरी डलगुना कॉफ़ी रेडी है और ये मैं ले आई यहाँ पे थोड़ा शुगर डालकर के लिए. तो हमें थोड़ा स्वीट पसंद है. डाला मिल्क, थोड़ी क्रीमी है, चिल्ड मिल्क है, शुगर में डाला है ताकि उसका कॉफ़ी का बिटरनेस ज़्यादा ना लगे. हमें स्वीट पसंद है तो अपने अपने टेस्ट के साथ. स्वीट 1 स्पून. सी लुक एट द कंसिस्टेंसी. आई थिंक वी आर एट वेरी गुड कंसिस्टेंसी, ऐसी होनी चाहिए. और अब मैं इसको डालूँगी अपने इसमें. क्या ये फ्लोट करेगी? आई डोंट नो, जैसा वीडियोस में रहता है. ओह ये इट इज फ्लोटिंग, लुक एट इट फ्लोटिंग. आई नो बड़ा ही टैक दिख रहा है, इतना अच्छा तो वीडियोस में दिखता है, पर आई नो हाउ. सो हमारी कॉफी रेडी है. मैं इसको मिक्स करूंगी, स्टर करूंगी एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स. ये भी एक अलग काम है इसमें, ये भी एक मेहनत ही है. आप लोगों में से किसी ने भी ट्राई किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना है यार कि मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया. ये ऐसी दिखती है, ऐसी बनती है या क्या सीन है? क्या मैंने इसका कुछ वर्जन 1.0 कुछ तो नहीं बना दिया मैंने? 1.1.1.3.4 समथिंग ऐसे कुछ तो नहीं बना दिया.
आई बिलीव कि मैंने अच्छा ही काम किया है, बट डोंट नो, आप बताना मुझे इसमें कुछ अगर गड़बड़ दिख रहा है आपको तो, कभी या आपने ट्राई किया हो तो, या आप मेरे इस वीडियो से इंस्पायर हुए हो और आपने ट्राई किया इसके बाद ना कॉफ़ी जो हमारी मम्मी चाचियाँ बनाती आई हैं बचपन से, और अब इंटरनेट का ज़माना है, वायरल का ज़माना है, और यहाँ जो वायरल होता है वही बिकता है। ओह मिक्स हो गया मेरा ये, तो मैं इसको टेस्ट करके जल्दी से बताऊँगी हाउ इज़ इट। जल्दी मिक्स हो जा, मिक्स हो कॉफ़ी, यू ट्राई इट एंड देन लेट मी नो।